सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमरूद की पूरी बादशाहत का एक मच्छर के सामने बेबस होना और दुनिया की सारी एटमी ताकतों का एक कोरोना के सामने बेबस होना मेरे अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। परिंदों से अपने घर का तवाफ करा के रब ने निशानी बता दी कि अकल के अंधो, इस घर का तवाफ ना छोड़ो जिससे अमन शिफा मिलती है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, जेलों में मुलाकातें बंद, सब कुछ बंद। देख मेरे रब की शान, गौर से सुन अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह की जमीन, अल्लाह की मर्जी। जदीद साइंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। आज सारी दुनिया सरहदें और परवाजें फ्लाइट्स बंद करके और लॉकडाउन करके कोरोना नामी वायरस को रोकने की कोशिश कर रही है, यानी साइंस की बे इंतहा तरक्की के बावजूद वही हिफाजती तरीका मौसर हो रहा है जो आज से 1450 साल पहले हमारे अजीम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जिस इलाके में वबा फूट पड़े उसमें दाखिल मत हो और अगर वहां मौजूद हो तो वहां से बाहर मत निकलो। बहावाला सही बुखारी हदीस नंबर 5730। दूसरे लफ्जों में आज की जदीद तरीन साइंस बेबस होकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की मातरफ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में गिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बहुत बारीक और आंख से नजर ना आने वाला जरासीम है और इसका कोई वजन भी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इससे खौफजदा है। क्या होगा अगर अल्लाह ने हम पर अपना अजाब नाजिल कर दिया? कहां गया जदीद तरीन और तबाहकुन असला? कहां है जाबिर और मगरूर मुमलिकतें? खबरदार, इंसान बहुत ही कमजोर है और अपने रब का हर लम्हे मोहताज है। लिहाजा पूरी इंसानियत अल्लाह की ताकत को तस्लीम करे, मर्ज से निजात के असबाब इख्तियार करे, कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।